तो दोस्तों आज सुबह सुबह मेरे दिमाग में बहुत सारे ख्याल आ रहे हैं। एक ख्याल ये भी आ रहा है, झूस झूस वाला, ठीक है। उसी झूस को लेके जैसे अभी मैं रंजना से भी डिस्कस कर रहा था कि ये भी एक बस सोसाइटी का बहुत प्रेशर होता है। पहले ब्याह नहीं हो रहा, ब्याह नहीं हो रहा, उसका प्रेशर होता है। फिर ब्याह हो गया तो झूस नहीं हो रहा या नहीं हो रही, उसका प्रेशर होता है। फिर झूस हो गया तो वो, अगर हो गया तो अच्छी बात, अगर हो गई तो उसका भी एक अलग प्रेशर सोसाइटी की तरफ से होता है। फिर जैसे मैंने कई बार देखा, जैसे गाँव में से बधाई देने के लिए भी आते हैं, चलो पहली अगर लड़की हो गई, मान लो पहली लड़की हो गई, तो कहेंगे चलो ठीक है भाई, पहल छोटा जी है कोई, चल चल जी ले भाई, सगुनी भाई, ऐसे करके ऐसे करके, मतलब ठीक है चलो। दूसरे में भी अगर लड़की होगी तो फिर देखो ये बार ना अजी नंती ने भैया तुम हल हल, ऐसे ऐसे करके मतलब दिलासा टाइप का देते हैं। मतलब तो मेरे को बड़ा अजीब सा लगता है कि मतलब भाई लड़का है या लड़की है, क्या भाई वो हमारा खून है, ठीक है जैसा भी है, तो उसमें इतना लोग क्यों मतलब लड़का लड़की को उस पर तोलते हैं। तो रीजन वो ये देते हैं कि अगर लड़का हो गया तो हमारी टेक केयर करेगा और जो हमारी ये संपत्ति है इसको भुगतेगा आगे को, अगर लड़की की शादी होगी तो पराए घर चली जाएगी। वो लड़के वाला अटैचमेंट लड़की के साथ नहीं दिखा पाते। तो मैं थोड़ा सा अपनी बोल्ड एंड ब्यूटीफुल वाइफ, क्योंकि अब आगे हमको भी तो कभी ना कभी ये चीजें देखनी पड़ेंगी, तो अभी से मैं थोड़ा सा अपने वाइफ के विचार जानना चाहता हूँ और आप भी ब्लॉग के माध्यम से जान। मेरा तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, चल चलो तो कोई बात नहीं, तुम भी तो किसी की लड़की हो, इतनी प्यारी लड़की मेरे को मिली है, तो हमारी लड़की भी होगी तो वो भी बहुत प्यारी होगी, बहुत ऐसे ही इंटरेस्ट। बजा के रखेगी सबको। जैसे मान लो किसी की एक ही लड़की हुई या फिर दो लड़की होगी, लड़का हुआ ही नहीं, ठीक है, मैं तो कह रही हूँ दो हो जाए तो और अच्छी बात है। आई माय गॉड, उनको ये टेंशन होती है कि यार बुढ़ापा में हमारी टेक केयर कौन करेगा, हमारे इतने प्लॉट हैं, इतनी बिल्डिंग बना रखी हैं, पेंशन है पिताजी की, ये कौन भुगतेगा। तो आपका क्या विचार है इसमें? मैं कहना चाहती हूँ कि फ्यूचर इज अनसर्टेन। एक अनसर्टेन चीज को लेकर के हम इतने ज्यादा सर्टेन हो जाते हैं कि हम उससे लेकर के अपनी एक जजमेंट बना लेते हैं कि ऐसा तो होगा ही होगा। एक तो टेक केयर करने वाला पॉइंट बताया पहले, तो उसपे तो मैं ये कहना चाहूंगी कि क्या गारंटी है कि लड़का आपकी टेक केयर करेगा? बिल्कुल आपकी टेक केयर करने तक लड़का आपके साथ रहेगा? सही बात है। जैसे लड़की आपके साथ नहीं रहेगी, आपको श्योरिटी है कि लड़की तो साथ नहीं रहेगी, हाँ। पर आपने कभी ये नहीं सोचा कि लड़का रहेगा कि नहीं रहेगा। सही बात है। हो सकता है कोई आपके साथ ना रहे। पहले तो सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए, उसके वाह लिए क्या अलग से बात बात है। करेंगे, कि उसके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग अलग से बात करेंगे। हाँ। पहले के समाज में ऐसा होता था कि जो पावर होती थी ना वो लड़कों के हाथ में होती थी, उनसे ही उम्मीद लगाई जाती थी कि टेक केयर यही करेंगे। हाँ। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब क्या है कि लड़कियों के हाथ में भी उतनी ही पावर है जितनी पहले लड़कों के हाथ में होती थी। अब लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो सोचते हैं ठीक है लड़की तो हमारी करेगी, लेकिन उसके ससुराल वाले करने देंगे नहीं करने देंगे, या उसका पति करने देगा नहीं करने देगा, ये भी इशू रहता है। हाँ। ठीक है, तो पहले ऐसा होता था क्योंकि लड़की आप अपने पति को या अपने ससुराल वालों को फॉलो कर रही होती थी। ठीक है, तो उसकी मजबूरी होती थी कि वो उन पे डिपेंडेंट थी कि वो अलाउ करेंगे तो वो टेक केयर करेगी। यस। लेकिन अब आजकल लड़की किसी के बंधन में नहीं है, अपने पति के बंधन में नहीं है, मैं ही तुम्हारे कितने बंधन में हूँ। जब जब चाहे तब मायके चले जा रही है ठीक वाले। है, जब चाहे तब मायके चले जा रही हूँ, कोई रोक नहीं पा रहा मुझको। हाँ। ठीक है, मन मन में चाहे जो मर्जी अपना आदमी सोचे। लड़कियों ने अपने आप को इतना सक्षम बनाया है, उन्होंने मेहनत करनी शुरू कर दी है, उन्होंने उन चीजों में मेहनत करनी शुरू कर दी है जिससे उसको पावर मिल रही है। ठीक है, वो पैसा कमा रही है, सबसे बड़ी चीज पैसे से पावर है, क्योंकि आप टेक केयर करने के लिए भी तो पैसा चाहिए। वो अपने मम्मी पापा का इंश्योरेंस ले सकती हैं। हाँ। पैसा वो कमाने के बाद जो अपने घर से निकल के जहाँ वो रह रही है उसके पड़ोस में अपनी मम्मी के लिए अपने पापा के लिए वो घर ले सकती है किराए पे, कि मैं भैया यहाँ से एक कदम बाहर निकालो तो अगला कदम मेरे मम्मी के या पापा के घर में मेरा हो। हाँ। ठीक है, तो वो इतने अपने लिए चीजें अवेलेबल कर सकती हैं आज की डेट में, तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है अपने मम्मी पापा की टेक केयर करना। ये पहले जमाने में होता था जब लड़कियां बिचारी अरे मैं अपने मायके चली जाऊं या मैं अपनी मम्मी को देखाऊं, या मेरे को 100 रुपए दे दो या मेरे को 1000 रुपए दे दो, मेरे को मम्मी के लिए कुछ लाना है, फिर घर ससुराल वाले ताने सुनाते थे। ठीक है, तो वो सब जो जमाना था ना वो जा चुका है, और वो गया भी इसी वजह से है क्योंकि उसमें इतनी प्रॉब्लम्स थी और लड़कियां बहुत ही हेल्पलेस महसूस कर रही थी अपने आप को। ठीक है, इसलिए वो थोड़ा सा वो आगे बढ़ी और कई लोगों ने उन्हें सपोर्ट भी करा, उनके हस्बैंड ने या फिर जो भी और सोसाइटी के लोग थे उन्होंने मतलब उनको वो भी करा। और इससे मेरे को एक बात भी समझ में आती है, तुम कभी भी नोटिस करना कि जो हमारे पुराने जमाने की मम्मियां हैं वो हमेशा अपने बेटे से ज्यादा अटैच्ड रहती हैं कंपेरेटिव टू बेटी, क्योंकि कहीं ना कहीं वहां पर ना उनका एक मतलब बेटी से भी प्यार करती है, वो बेटे से भी करती है, बट अटैचमेंट बेटे से ज्यादा होती है और पापा की अटैचमेंट बेटों से उतनी ज्यादा नहीं नहीं होती होती है है। ना। हाँ। तो इसका एक जो रीजन मुझे समझ में आता है वो ये होता है कि पावर, जो औरतों को लगता है कि
पहले पावर मेरे पति के पास थी, ठीक है, मुझे उसे फॉलो करना ही था। हाँ। अगर अब अगली जो पावर आएगी वो मेरे बेटे, के पास आएगी, यस, राइट। तो उसको तो मेरे को फॉलो करना मेरी मजबूरी थी। हाँ। लेकिन इसको अगर मैं अपने अटैचमेंट में रखूं या अपने चंगुल में रखूं, हाँ, जो भी उस लैंग्वेज में कहते हैं, तो पावर मेरे पास भी आ सकती है, ठीक है। तो जो आज जो कई कई घरों में आपने देखा होगा कि जो सास होती है वो अपने बेटे को अपने हमेशा, हाँ, अगर उसको इनसिक्योरिटी हो जाती है, हाँ, अगर वो थोड़ा सा भी मतलब बहू की तरह बहू की साइड हो गया तो इनसिक्योरिटी, उसको लगता है कि पावर मुझसे बहू पे जा रही है, यस, ठीक है। तो ये एक रीजन है कि वो अपने बेटे से ज्यादा अटैच्ड होती है कि उसको लगता है कि कल को मेरे को जो पावर महसूस कराएगा वो यही कराएगा। बेटी क्या, वो तो अपने घर चली जाएगी, वो क्या मुझे पावर महसूस कराएगी। और आदमी लोग क्यों नहीं हो पाते टेस्ट, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी पावर है, सही बात है, ठीक है, उनके पास ऑलरेडी पावर है, तो उनको खास ऐसी जरूरत महसूस नहीं होती। उनको लगता है भैया मेरे पास खुद की पावर है, मुझे मेरे बेटे की पावर की कोई जरूरत है नहीं। मेक सेंस, है ना। तो इसलिए मुझे एक साइकोलॉजिकल रीजन ये लगता है कि ज्यादा अटैचमेंट बेटे की तरफ क्यों होता है। दूसरा ये है कि कौन बरतेगा, हमारा वंश आगे बढ़ेगा, कौन भुगतेगा। तो आपने कहां देखा है कि आपका, चलो आपने अपना एक वंश आगे बढ़ा दिया, ठीक है, उसकी लड़की हो गई, फिर वंश कहीं ना कहीं तो रुकेगा ही वंश, तो आपको वंश की इतनी टेंशन क्यों है? ऑलरेडी बहुत पॉपुलेशन है यहाँ, आपको इतनी टेंशन क्यों है? इंडिया एक वंश ऑलरेडी बहुत आगे बढ़ चुका है एज अ वंश, तो कहीं ना कहीं पे तो वंश रुक सकता है ना। आपके कंट्रोल में नहीं है ये चीज कि आप वंश को हमेशा आगे बढ़ाते रहो, ठीक है। तो इसलिए इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। दूसरी बात है कि कौन बरतेगा, ये होगा वो होगा, मैं तो कह रही हूँ पहली बात आप बरतो खुद अपना, वाह, ठीक है। आप ये मत सोचो कि कौन बरतेगा, वो अपना खुद कमा के खुद बरत लेंगे, सही बात है। अपना तुम खुद बरत लो और वो अपना खुद बरत लेंगे, और वो तुम बरत रहे हैं या नहीं बरत रहे ये तुम देख नहीं पाओगे, तो तुम्हें वो सेटिस्फेक्शन कभी मिलने वाला है नहीं। जिसके माँ बाप कमा कमा के नहीं देते हैं, कुछ प्रॉपर्टी नहीं जोड़ जाते, क्या उनके बेटे नहीं भुगतते? वो भी तो बरतते ही है, ठीक है, जिनके माँ बाप में से कोई एक नहीं होता है वो भी तो बरतते ही है कुछ ना कुछ, वो अपनी मेहनत से बरतते, अपनी मेहनत से बरतते हैं। और दूसरी बात, आपको कभी दिखेगा ही नहीं ना कि वो बरत रहे हैं या नहीं बरत रहे हैं, तो वो सेटिस्फेक्शन लेवल आप सिर्फ दिमाग में ख्याली पुलाव बना पाओगे, एक्चुअल सेटिस्फेक्शन वो आपको कभी देखने लायक आप रहोगे नहीं कि वो बरत रहे हैं या नहीं बरत रहे हैं या क्या हो रहा है। अब अभी अम्मा चली गई, अब उसकी तरफ से हम कुछ भी करें। तो ये जो दो पॉइंट है ना कि वंश वाला और कौन बरतेगा, ये तो बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल पॉइंट्स हैं। तीसरा टेक केयर करने वाला एक प्रैक्टिकल पॉइंट था, वो मैंने तुम्हें बता ही दिया, ठीक है। अब उसके लिए ये जरूरी है कि भाई आप अपनी लड़कियों को इतना सक्षम बनाओ, है ना, और वो इतनी मेहनत करें, उनको पूरी प्रॉपर अपॉर्चुनिटी दो जो आप अपने बेटों को दे रहे हो, ताकि कल को वो आपकी टेक केयर करें। और एक चीज बता देती हूँ मैं, कि अगर लड़का करे ना करे, अगर लड़की सक्षम हुई ना तो 100% करेगी, बिल्कुल। ये मैं कहता रहा हूँ, मैंने अपनी बुआ को देखा है ना, ठीक है, जबकि बुआ की तो नौकरी भी नहीं है, उसके बाद भी वो अम्मा की इतनी सेवा करी ना बुआ ने हमारी, मतलब कि क्योंकि लड़की का अगर लाइफ पार्टनर अच्छा है, हाँ, तो वो आजकल क्योंकि लड़कियां खुद अपना लाइफ पार्टनर चुनती हैं, चुनती तो है। आप लड़की को वो दिमाग दो, उसकी साइकोलॉजी इस तरीके से बनाओ कि बेटा पैसे तो तू खुद कमा लेगी, सही बात है, ठीक है, जो तेरे को पीस और जो तेरे को अंडरस्टैंडिंग चाहिए ना वो ढूंढ। आजकल जो लड़कियां पैसा ढूंढ रही है ना, पैसे तो आप खुद कमा लोगे, सही बात है, आप खुद जब पैसा कमा सकते हो तो आपको उससे ज्यादा पैसे की क्या जरूरत है? पैसा चाहिए बट एक लिमिटेड उसमें चाहिए, और आप उतना पैसा कमा सकते हो, हाँ। बट जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो आपको अनलिमिटेड चाहिए होती है एक रिलेशनशिप में, तो वो ढूंढो रेदर देन कि किसकी कितना क्या पैकेज है, क्या हाँ। है ना, हाँ। आपकी जब पेरेंट्स होंगे तो उसका पैकेज काम नहीं आएगा, वो तो आपका ही पैकेज काम आ जाएगा। क्या बात बोली है यार, बहुत डीप बोल दी तुमने तो, हाँ, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि लड़कियों को और उनके पेरेंट्स को भी, क्योंकि पेरेंट्स भी यही देख रहे हैं यार आजकल, मेरे जमाई का कितना पैकेज होना चाहिए, उतना पैकेज होना चाहिए, यहाँ घर होना चाहिए, वहाँ घर होना चाहिए, सरकारी नौकरी होनी चाहिए, वो लड़का मेहनती होना चाहिए मेरे हिसाब से, और अब सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है, और उसका कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, सेम विद योर डॉटर, बिल्कुल। तो दोनों चीजों में दोनों कैरेक्टर अच्छे होने चाहिए और दोनों मेहनती होने चाहिए, हाँ। सिर्फ पति मेहनत कर रहा है बीवी ऐश कर रही है, बीवी मेहनत कर रही है पति ऐश कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये तुम भी सुन लो। मैं मेहनत ही कर रहा हूँ, मतलब तुम भी सुन लो, ये तुम भी सिखाना ये मतलब है। तो दोस्तों कंक्लूजन यही है कि भैया चाहे बेटा हो या बेटी हो, उनकी पढ़ाई लिखाई पे, अच्छे स्किल्स पे, ठीक है, अच्छी शिक्षा पे इन्वेस्ट करिए। मैं तो सीधे सीधे ये बोलता हूँ ना, जो पैसा आप जैसे जैसी बच्ची पैदा होती है ना, उसकी शादी के लिए FD कराना शुरू कर देते हैं,
कुछ और ऐसे कर दी, मतलब नहीं होता है वैसे, अब लोग मतलब अभी भी बहुत से लोग ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो तुमने सोचा है ना आज की डेट में कि मैं 15-20 लाख रुपए अपनी बेटी की शादी में खर्च करूंगा, वो 20 लाख रुपए ना आप अपनी बेटी पे इन्वेस्ट कर दीजिए पढ़ाई के दौरान, कुछ सिखाने में, जो उसका मन है वो करवाने में, मतलब तकदीर बदल जाएगी, तकदीर बदल जाएगी, बेटी का तो भविष्य सफल होगा ही होगा। शादी का भी कर लेगी, हाँ, अपने बच्चों का भी कर लेगी, अपने सबका आफ्टर मैरिज का भी कर लेगी, सब कुछ कर लेगी, सब कर लेगी। अगर सिर्फ आपने पढ़ाई में इन्वेस्ट कर दिया, शादी में इन्वेस्ट कर दिया अगर, तो शादी में कोई गारंटी नहीं है कि शादी का क्या होगा। दूसरी बात यह है कि फिर हर चीज में आपको लगे रहना पड़ेगा, तो मतलब वो इन्वेस्टमेंट नहीं हुई। हाँ। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर करो रेदर देन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये सीए की भाषा में सुना दिया। तो आपका क्या सोचना है, क्या विचार है इस टॉपिक में, जो कि लड़कियों को अभी भी थोड़ा सा लड़कों से कमतर रखा जाता है, घर में लड़की पैदा होती है तो एक मेरे सामने मत आना, वो एक झस टाइप का, एक झस टाइप का मतलब कर देते हैं, झसका झसा देते हैं लड़की के माँ बाप को, तो उस बारे में आपका क्या विचार है, क्या ख्याल है, मेरे को कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। और बाकी रंजना जी के ख्यालों से आप कितना सहमत हैं वो भी आप कमेंट में बताना। बाकी अब मैं जाता हूँ दोस्तों बर्तन धोने, ठीक है, क्योंकि क्योंकि इसने बहुत सही बात, मेरी बीवी ज्यादा सक्षम हो गई क्योंकि मेरी बीवी ज्यादा जबरदस्ती बुलवाया बस लड़का ही करना। वाह, लड़की हो तो ऐसी हो भाई, लड़का ही करना फिर उससे बर्तन मजवाना। ओहो हो, क्या लड़का क्या लड़की यार साला। चलो एक तो लड़का लड़की वाला टेंशन अलग है, अभी ये है कि हो ही नहीं रहे उसका टेंशन, मतलब जिसके नहीं हो रहे हैं या वो नहीं कर रहे हैं उनको उतनी टेंशन नहीं, उनको टेंशन है ही नहीं, वो सोच ही रहे उस बारे में, पास पड़ोसियों को, गांव वालों को, रिश्तेदारों को, उनको टेंशन है। अब्दुल कलाम साहब ने कौन सा बच्चे करे, कौन सी उन्होंने करी, मोदी जी ने तो शादी करी बच्चे नहीं करे, ठीक है, और अटल बिहारी वाजपेयी उनकी कौन सा वो थी, और भी बहुत सारे यार जो अभी तक, सलमान खान को देख लो आप, ठीक है, इन्होंने मतलब इन्होंने अपना काम से अपना कुछ नाम करवाया ना, जाकिर खान ने नहीं कर रखी है अभी तक शादी, और भी बहुत सारे हैं जो मतलब कुछ अपने क्षेत्र में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहे हैं, वो शादी नहीं कर रहे हैं, हमने तो कम से कम शादी कर दी। वरुण ग्रोवर कितना अच्छा कॉमेडियन है, आप देखो उसको, ऐसी शादी क्यों करते हो हमेशा। बहुत मजा आया आपको देख के, परवाना बज रही है।